नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2021 घोषित हुआ। इस साल 12वीं का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 99.37% रहा है, जबकि सुहागी पब्लिक स्कूल के कई मेधावी छात्रों ने स्कूल पर भेदभाव कर रिजल्ट खराब करने का आरोप लगाया है। व्हाट डू यू मीन सीबीएसई वाले ने? सीबीएसई वाला कोई मतलब पढ़ा लिखा नहीं है क्या? कि आपको क्या लगता है कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको नंबर दिया गया? का खुद का एक भाई है जो कि 1.5 साल से स्कूल में कदम नहीं रखा है, उसका 75-65 अबव ऐसा करके नंबर आया है। सर, इस स्कूल में जातिवाद पे नंबर दिया जा रहा है। प्रीवियस रिजल्ट आपका बेटर था, तो फिर कैसे गड़बड़ हो गई? क्या आपने कभी सुना है कि शून्य से कम मार्क्स किसी स्टूडेंट्स के? जो टॉप टीचर थे उनको पैसे न देने की वजह से मार के खेत दिया गया। टॉप 6 में मेरा नाम आया था, पर इस साल मुझे 57% दिया गया। प्रैक्टिकल और पीवोट हमें नहीं देने देते, फीस नहीं जमा होने के कारण। 20 रुपए में जैसे मिलता है आपको वही उठा के लेते हैं, बोलते हैं बेटा आज टीचर आ जाएंगे। फीस पढ़ाई के लिए है ना कि स्कूल के दर्शन के लिए? पता नहीं क्या सोच के रिजल्ट बनाए हैं। सर, पढ़ने में 9th में सब कंपटीशन में एक बराबर। मैं ही पूछना चाहता हूँ किस बेस पे नंबर? एग्जामिनेशन फीस 5,000 रुपए सब लड़कों से लिया गया, लेकिन यहाँ टीचर ऐसे आपको लोकल सीबीएसई बोर्ड में लोकल एंट्री किए टीचर आपको पाएंगे। तो होम बोर्ड होते हुए भी इन्होंने सबका रिजल्ट खराब किया। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप बिग बोर्ड देख रहे हैं। नाम है सुहागी पब्लिक स्कूल, सुहागी क्षेत्र का एक हाई प्रोफाइल स्कूल, लेकिन हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां पर बच्चों को माइनस में मार्किंग मिली है। समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हमेशा जो रिजल्ट बनता है वो प्लस में बनता है। किसी को 1 नंबर मिल सकते हैं, किसी को 2 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है कि एक बच्चे का कक्षा बारह की बात ही हम कर रहे हैं, गौरव सिंह नाम है, उसको मिलते हैं इंग्लिश में -7 नंबर। दूसरे विषयों का उसका रिजल्ट क्या है किसी को कुछ खबर नहीं, सिर्फ एक विषय का रिजल्ट बनाया गया है जो नंबर आते हैं -7। दूसरी खामी की बात करते हैं, एक लड़का है प्रदीप सिंह, आज से 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है, जब शायद वो कक्षा 10 में रहा। कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया है और प्रदीप सिंह का रिजल्ट यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बनाया गया है। विद्यालय कौन सा है ध्यान से देखिए, सुहागी पब्लिक स्कूल, त्योथरांचल क्षेत्र का सुहागी का एक ऐसा हाई प्रोफाइल स्कूल जिससे हर साल हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं पास आउट होते हैं, अपने करियर की तलाश में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस साल पेंडेमिक था, कोविड की वजह से पूरे देश भर में एग्जाम कैंसिल हुए और कक्षा 12वीं तक के सारे बच्चों के जो रिजल्ट हुए वो पास आउट अनाउंस किए गए। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है कि पास आउट होने के बावजूद भी स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ पर -7 नंबर, 2 साल पहले मरे हुए बच्चे का रिजल्ट, और साथ ही साथ कई बच्चों को सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए भी रिजल्ट में अनाउंस किया गया है। पहले हम छात्रों से बातचीत कर इनके जो समस्याएं हैं, जो इनके करियर को लेकर के संकट खड़ा किया जा रहा है इस विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, अब ये गड़बड़ी किसकी है इसकी भी तह तक हम जा करके यहाँ प्रबंधन से भी बातचीत करेंगे। पहले इन छात्रों से जानते हैं इनकी समस्याएं कि आखिर किस तरीके से ये रिजल्ट बनाया गया है और क्या इसमें खामियां हैं, क्या सुधार हो सकते हैं और कौन सी ऐसी आधारभूत समस्याएं हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आश्चर्यजनक तरीके से यहाँ पर सामने दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज पर, और आपकी समस्याओं जानने की जो शुरुआत हम करते हैं तो ये बताइए कि जो मुख्य समस्या यहाँ पर है वो क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के एक स्पोर्ट टीचर हैं जी, वो और एक प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल तो सबसे बड़े पद में होते हैं, तो वो दोनों मिलके हम लोग का रिजल्ट बनाए, और पता नहीं क्यों मतलब स्पोर्ट वाले टीचर किस बेस पे रिजल्ट बनाए। ठीक है, वो स्पोर्ट के टीचर हैं, हमें स्पोर्ट सिखाते हैं, सब कराते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो किस बेस पे हमारा रिजल्ट बनाए? रिजल्ट बनाए भी तो एकदम सबका खराब कर दिए। मतलब जो बच्चे IIT की तैयारी भी सोचे हैं कि मुझे IIT क्वालिफाइड करना है, तो उन बच्चों का मतलब सप्लीमेंट्री कर दिए हैं, तो ये गलत बात है। मतलब यही जानना है कि स्पोर्ट टीचर हो के वो रिजल्ट कैसे बना सकते हैं। और उन्होंने हम लोग से ये बोला था, जब भी हम लोग कॉन्टेक्ट किए रिजल्ट आने के बाद, उन्होंने ये बोला कि बेटा हमने तो यहाँ से 75+ दिया, लेकिन CBSE वाले ने, व्हाट डू यू मीन CBSE वाले ने? CBSE वाला कोई मतलब पढ़ा लिखा नहीं है क्या कि वो ऐसे आप 58% दे रहे हो तो वो 38 कर रहा है, 69 दे रहे हो तो 90 ये कर रहा है, ऐसा गलत पलत तो नहीं करेगा वो? तो मतलब उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, उसकी सबूत है हमारे पास, जो उन्होंने लिस्ट बनाया था, जो यहाँ से लिस्ट बनाया था गलती से हमारे पास शेयर हो गई है। मैं उस लड़के का नाम नहीं बता सकता, मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के लिए मतलब गलत नहीं सोचना हमको,
तो बस यही बताना है कि वो चीज़ हम लोग से झूठ मतलब बताया गया, आपने आपको अच्छा साबित करने के लिए हम लोग से ये बोला गया कि हमने 75 प्लस सबको दिया, मेरे घर तक आए मुझसे बोले बेटा तुम्हारा तो मैं 75 दिया था, उसका उल्टा भी नहीं आया, मेरा 58, 56, 50 सबका ऐसे ही आ रहा है, मतलब ये पूरा आ गया है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने बहुत अच्छा दिया था, लेकिन हमारे पास पूरा सबूत है कि ये लिस्ट इन्होंने खुद बनाया था, ऐसे लिस्ट वही सेम रिज़ल्ट सबका आया है। कुछ बच्चों का मैं नहीं बता सकता हूँ, मेंशन नहीं करना है मुझे कि उन लोगों के साथ कितना अच्छा किया गया है। तो बस, और वो जो स्पोर्ट वाले टीचर, उनका खुद का एक भाई है जो कि 1.5 साल से स्कूल में कदम नहीं रखा है, उसका 75, 65 अबव ऐसा करके नंबर आया है, पता नहीं किस बेस पे नंबर दिया गया है। नंबर किस बेस पे दिया गया है? आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हुआ था क्या? जी, प्री बोर्ड तक हुए थे हम लोग के, और हम लोग मतलब प्रैक्टिकल वगैरह भी स्कूल में कराया गया था, उसके बाद 10th और 11th के बेसिस पे नंबर हम लोग को मिले गए थे। तो उस पर ये हुआ कि 11th का मार्कशीट हम लोग को चाहिए था, क्योंकि 10th में तो हम लोग को पता है हम लोग का रिजल्ट इतना था, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से था, नंबर पता है, लेकिन 11th का जो था तो 11th का उन्होंने आज तक मतलब दिए हैं कुछ बच्चों को रिजल्ट, लेकिन लास्ट तक में ये बोले कि बेटा रिजल्ट बना ही नहीं है, ये अच्छा। इन्होंने झूठ बोला, क्योंकि सारे बच्चों को ये लगना चाहिए था कि एक 11th और 9th एक होम बोर्ड होता है, तो होम बोर्ड का मतलब ये होता है कि उनको रिजल्ट दिखाया जाए कि भाई आपने इतना किया है, तो उसका उसके बेसिस पे आप रिजल्ट बनाए हो अगर, तो हम लोग को 11th का रिजल्ट दिखाते आप, तो लास्ट तक में आप ये बोले कि 11th का रिजल्ट अभी बना ही नहीं है, जब बना ही नहीं तो आपने 12th का रिजल्ट कैसे प्रोवाइड कर दिया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल में, जैसे प्रैक्टिकल में स्कूल का पूरा हक होता है कि कितने नंबर किस बच्चे को देने हैं? 20 सबसे कम अच्छा। सबका नंबर है, पता नहीं क्या सोच के रिजल्ट बनाए हैं, अपना स्कूल ही खराब कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको एक प्रकार से 12th बोर्ड नहीं, 12th होम बोर्ड बन चुका था, ये हर स्कूल का ये एक नियम हो चुका था कि एक होम बोर्ड है ये, तो होम बोर्ड होते हुए भी इन्होंने सबका रिजल्ट खराब किया। एग्जामिनेशन फीस 5,000 रुपए सब लड़कों से लिया गया, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार तक सबका फीस जमा किया गया। एक मिनट ये बताइए, एग्जामिनेशन फीस आप बता रहे हैं 5,000, 10,000, 15,000, ये किस बेसिस पे लिए गए? ये क्या था कि CBSE में एग्जामिनेशन फीस तो लिया जाता है हर साल का है ये, तो पहले ये था कि पेपर होने हैं हम लोग के, तो क्या हुआ कि एग्जामिनेशन फीस लगते हैं, जबकि मैं सही बताऊं तो आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो 1500 रुपए CBSE का एग्जामिनेशन फीस, जी एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपए, 150 रुपए प्रैक्टिकल फीस, टोटल 1650 रुपए होते हैं, तो उनमें से 5,000 लिए हैं, तो भाई इन्होंने सब बच्चों ने 5,000 रुपए जमा किया, उसके बाद इन्होंने ये बोला कि फीस जमा करो, फीस भी जमा किए, कुछ बच्चे ने आधा किया, 15,000 किया, 10,000 किया, सब बच्चों ने फीस जमा किया। उसके बाद भी अगर आप ये रिजल्ट दे रहे हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि ये होम बोर्ड है, लड़के कहाँ से पैसे ला रहे हैं, किसान के भी बच्चे हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं पैसे, तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका रिजल्ट खराब कर रहे हैं। ये अनीस हो गया, इसका पूरा रिजल्ट ही खराब कर दिया। अनीस ये बताओ, कौन सी क्लास में थे? 12th में। 12th में थे। 12th में कितने दिन तक आपकी क्लासेस चली स्कूल में? लगभग 2 महीने तक चली है। 2 महीने तक। आपका 11वीं का रिजल्ट कैसा था? 11वीं का अभी तो मिला ही नहीं है। 10वीं का कैसा था? 10वीं का 64% था, लेकिन इस बार 57 कर दिया गया है, मतलब कम कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको नंबर दिया गया? बस मनमानी कर रहे हैं आप लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट से कभी बात की कि हम लोगों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ? जी मैंने बात की है, कल ही बात की, लेकिन वो लोग कह रहे हैं ये सब CBSE वालों ने किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्लास 10th में हम लोग को परसेंट बेस में जो मेहनत किया था हमने, उस बेस पे जितना मिला हम लोग को मिला, पर 12th में जो कंडीशन थी 10+2 का, मतलब 10th और 11th का मिला के 12th का परसेंट बनेगा, पर 10th में क्या हुआ, परसेंट तो बना पर 12th में परसेंट उस बेस से नहीं बना। कोई ऐसा बच्चा जो आपसे पढ़ने में कमजोर था टीचर का और उसको बेटर रिजल्ट आए हों? सर शिवांशु सिंह, जो कि मैंने अभी बताया स्पोर्ट टीचर के सगे भाई थे वो, उन्होंने 1.5 साल से स्कूल में कदम भी नहीं रखा, मुझे नहीं पता कि वो कॉमर्स में कैसे थे, ठीक है कॉमर्स का रिजल्ट उन्होंने अपने भाई का बहुत ही अच्छा बनाया, प्रैक्टिकल में सब अच्छे अच्छे नंबर दिए उनको, और किस बेसिस पे उनको दिया, क्योंकि वो एक टीचर के बच्चे थे, घर के थे, उनके रिलेटिव थे, तो उनको मतलब नंबर ऐसा मिला गया। और मैं 10th की बात करना चाहता हूँ, मैम का नाम मेंशन नहीं करना है मुझे, बट ये 10th के बच्चे हैं, ये मैं जानता हूँ कितना कैसा है पढ़ने में, कुछ भी करता है, बहुत बहुत पढ़ता है ये, अच्छा। लेकिन इसके लिए इसका 61% आया 10th में, और वही मैम की लड़की दो हैं, तो उनका 86-87 किस बेस पे आया पता नहीं, क्योंकि वो मैम की लड़कियां हैं। आपको क्या लगता है आपकी जो मैडम के बच्चे हैं
वो आपसे ज्यादा पढ़ने में बेटर हैं? सर पढ़ने में नाइन्थ में सब कंपटीशन में एक बराबर थे। अच्छा। छह बच्चे थे, छह बच्चे कंपटीशन में थे, किसी का 88% है, किसी का 89, सब ऐसे ही थे। लेकिन क्लास टेंथ में ऐसे हुआ कि उन बच्चों को 86% दे दिया गया और हम लोग को 61% दे दिया गया। अच्छा। इतना अंतर किया गया। और प्रैक्टिकल में नितिन सर क्लास टीचर थे हम लोग के, बोले कि सोशल साइंस में जो है कॉपी के आधार पर तुम लोग को नंबर अच्छा दिया जाएगा, फेयर कॉपी कंप्लीट करो। हम लोगों ने फेयर कॉपी सबसे पहले जमा किया, लेकिन तब भी हम लोग को प्रैक्टिकल में 15 नंबर दिए गए हैं। अच्छा, मतलब सबसे कम भी जो उनके हाथ में था उसमें भी 15 नंबर दिए। नहीं, इसके लिए तो नहीं था कि सीबीएसई वालों ने डिसाइड कर दिया, हमने 20 भेजा और सीबीएसई वालों ने 15 दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल वाले क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं? सर इस स्कूल में जातिवाद पे नंबर दिया जा रहा है। सर ये क्या कहते हैं कि विहम है, इनकी दो बच्ची हैं, इनका जो कि कंपटीशन हम लोग का बराबर था नाइन्थ में, अगर नाइन्थ के बेस से नंबर लेते हैं और क्या कहते हैं टेंथ के प्री बोर्ड के बेस से नंबर लेते हैं, तो हमने प्रिंसिपल सर से कहा कि सर आप कॉपी दिखाइए, हमारी भी कॉपी दिखाइए और जिसको 86% दिया उसको भी, उसकी भी कॉपी दिखाइए। तो वो कहते हैं तुम अपनी कॉपी देखो, दूसरे की कॉपी क्यों देखोगे? तो हमने कहा कि हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमें इतना कम नंबर दिए हैं और उस बच्ची को इतना ज़्यादा नंबर दिया, हमें कैसे कंपेयर में पता चलेगा? तो बोलते हैं नहीं, तुम दूसरे की कॉपी नहीं दे सकते हो। अच्छा, मेरी बात यह है कि मतलब क्लास टेन में जो हम लोग को परसेंट दिया गया था, मेरा टॉप 6 में मेरा नाम आया था, पर इस साल मुझे 57% दिया गया था। मैं यही पूछना चाहता हूँ किस बेस पे नंबर दिया गया है? मतलब टेंथ में मेरा 72 है और 11th में मेरा 77% है, तो मेरा 12th में सोचा था कि मैं 80 एवप पाऊँगा नंबर, जो मतलब सरकार बोली कि जिस बेस पे नंबर 10th और 12th 11th का है उसी बेस पे 12th का नंबर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल में नंबर ठीक मिले, पर थ्योरी में क्या क्या मेन सब्जेक्ट में नंबर कम दिया गया, सिर्फ पासिंग आउट नंबर दिए गए। सीबीएसई बोर्ड से क्या कहना चाहते हैं इस स्कूल के? मेरा बोर्ड से ये कहना है कि स्कूल वालों बोल रहे हैं कि वहाँ से नंबर सीबीएसई से कट ऑफ गिरा है, मतलब बच्चों ने यहाँ से मैंने 90% भेजा था, सभी बच्चों का 90% से एवा भेजा था, पर वहाँ बोले वहाँ जैसे बच्चों को पता चला उस हिसाब से वहाँ के बोर्ड के हिसाब से नंबर कट ऑफ, मतलब उस बेस पे मैंने नंबर कट ऑफ गिरा है, स्कूल से ये बोला गया। तो ये बताइए सीबीएसई वाले आपके घर में खाना खाने आए थे क्या? नहीं, उनको नहीं पता है। तो उनको पता है आपके बारे में कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है और दूसरा वाला कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है उनको। प्रीवियस रिजल्ट से ही उनको पता होगा। प्रीवियस रिजल्ट आपका बेटर था, तो फिर कैसे गड़बड़ हो गई? पता नहीं, ये तो स्कूल की गलती है। -7 मार्किंग किसकी आई थी? ये छात्र हैं जिनके -7 मार्क्स मिले हैं। आगे आओ। हमें जानकारी मिली है कि सिर्फ आपको इंग्लिश बस का रिजल्ट मिला है। जी बिल्कुल मिला। कितने नंबर मिले हैं आपको? उसमें -7 है हमारे। क्या आपने ऐसा क्या लिखा था पेपर में कि -7 नहीं दिया था? उन्होंने हमको गेट से वापस लौटा दिए थे। क्यों लौटा दिए थे? हमारी फीस नहीं जमा थी। अच्छा, इसलिए हमको एग्जाम नहीं देने, बोले बाद में आओ, फिर उसके बाद ये सब कोरोना लग गया तो पेपर ही नहीं हुए, तो प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड हमें नहीं देने दी थी, फीस नहीं जमा होने के कारण। अच्छा। और अब रिजल्ट दिखा रहा है तो खाली इंग्लिश में -7 मार्क्स आए, बाकी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ही नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि 0 से कम मार्क्स किसी स्टूडेंट्स को मिले? कभी नहीं सुना हमने, ये पहली बार हमने सुना अपनी जिंदगी में, इतिहास में। अब लग रहा है हम ही सबसे ज्यादा टॉप के हैं। कुछ कहेंगे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर? ऐसे टीचर्स हैं तो हो गया, स्टूडेंट ऐसे नहीं गिरते, रैंक सुसाइड इसीलिए कर रहे हैं ज्यादातर। जब इस तरह लड़के पेपर पढ़ मतलब स्टडी करके ऐसा नंबर आ रहा है तो क्या मतलब। मैं भी 2 साल पुराना छात्र हूँ, 2019 में मैंने यहाँ से 12th पास आउट किया। जो वेटर टीचर थे जो कि इलाहाबाद से यहाँ पढ़ाने के लिए आए, जैसे उनका नाम राघवेंद्र सिंह है जी, उनका मेरे सोभी सिंह है और कई टीचर हैं जो इतने टॉप टीचर थे, उनको पैसे ना देने की वजह से मार के खेत दिया गया। अच्छा। उनको पैसा ना दिया गया, उनको पेमेंट नहीं किया जाता है, वही पेमेंट हम लोग किसान के बच्चे हम लोग के ऊपर डाल दिया जाता था कि बेटा तुम लोग फीस दोगे तभी ना उनको पेमेंट देंगे। तो इस संस्था को मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है कि आपने इनको कोड कैसे दिया, सीबीएसई की मान्यता कैसे दी, जब इसके अवेल है ही नहीं अपने रूरल एरिया में खोलने के लिए। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं कि सीबीएसई वालों से आपका सीधा सवाल है? बस यही मेरा, कि मान्यता कैसे मिली जब ये स्कूल उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है? सीबीएसई एक ये भी रखता है कि उसके पास एक वेल एजुकेटेड टीचर होनी चाहिए और हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कराता है सीबीएसई खुद ही। आप कहीं भी सीबीएसई स्कूल के देखेंगे तो वहाँ पे वेल ट्रेंड टीचर होंगे जो बच्चों को एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को स्टैंडर्ड पोजीशन पर लाने की ताकत रखता है। लेकिन यहाँ टीचर ऐसे आपको लोकल सीबीएसई बोर्ड में लोकल इंट्री किए हुए टीचर आपको पाएंगे, चाहे आप जाके अंदर चेक कर सकते हैं, जो कि लोकल टीचर है वो एमपी बोर्ड के टीचर जो लोकल हैं जिनसे वो एनसीईआरटी को हैंडल करना नहीं बनता, वो आते हैं एनसीईआरटी पढ़ाने। आप एनसीईआरटी को बुक को आप जानते हैं, वो केंद्रीय बुक है एक,
मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहता, जो पढ़े लिखे वो कुछ जानते हैं, लेकिन इनके पास टीचर नहीं है। यही है छुट्टा वारा जो टीचर है, 20 रुपए में जैसे मिलता है आपको वही उठा के लाते हैं, बोलते हैं बेटा आज टीचर आ जाएंगे डेमो देने के लिए, पूरा जितना भी 2 महीने स्कूल चलिए 2 से 3 महीने डेमो देने के लिए बस बुला रहे थे। मेरा भाई खुद, मेरे 2 भाई पढ़ते थे, वो खुद बोले कि भैया डेमो देने के लिए डेली टीचर आ रहे हैं, आप कैसे पढ़ाई किया। मैं उनको प्रिपेयर करता था, क्योंकि मैं भी एक IITian हूँ, IIT की तैयारी करता हूँ, उनको बेल प्रिपेयर करता था। वही मेरा सवाल है, इनका रिजल्ट कैसे खराब हुआ? आपके भाइयों का रिजल्ट कैसा है? आप अगर उनकी तैयारी करवा रहे हैं अच्छे से, तो आप सबसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप खुद टीचर हैं उनके, है ना जी? तो उनका, आपको क्या लगता है चूक कहाँ पर हुई? वो इनकी, इन्होंने गलती की है। अच्छा। इन्होंने जो सरकार का नियम था बोलने का, उन्होंने सरकार की ना खिलाफी की, इन्होंने वो बात नहीं रखी जो सरकार ने बोली थी। बेल सारे स्टूडेंट को पास आउट करना है, उन्हें किसी फेल में किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक बच्चे का रिजल्ट आया है कि वो फिर से रिपीट करे, मतलब कुल मिला के फेल कर दिया गया। हाँ, फेल कर दिया। और कहेंगे इसके बारे में? ये बस वही फीस मांगना चाहते हैं, बोलते हैं जो फीस नहीं दिया वो रिपीट करे, हमारे स्कूल में दोबारा पढ़े। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा मामला फीस का है। और जब बच्चे के अभिभावक भी सोचते होंगे कि जब मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फीस पढ़ाई के लिए है ना कि स्कूल के दर्शन के लिए। तो यही तो मेरा सवाल है, पेंडेमिक सिचुएशन के कारण कोविड के, जिसके पास जितना बजट बना फीस पे कर रहे हैं। हम एक फार्मर के बच्चे हैं, हमको जितना हमसे सेविंग में आया मैंने उतना फीस दिया, लेकिन ये बोलते हैं कि आपने 100% फीस नहीं दिया। मेरे भाई का रिजल्ट 10th में 1st क्लास था, सारे बच्चे जानते हैं वो पढ़ने में कैसा है, वो top 6 में आया था स्कूल में, इस बार उसको 54-57% में ला के खड़ा कर दिया। ये कैसी सिचुएशन? यही मेरा इस स्कूल से सवाल है। अच्छा ये बताइए, अगर स्कूल वाले बोलते हैं कि हमने तो भेजा था रिजल्ट बना के, और CBSE बोर्ड वालों ने रिजल्ट को कम कर दिया अपने से, तो स्कूल वालों को फाइट करनी चाहिए कि आपने हमारे बच्चों का रिजल्ट किस बेस में बनाया? आपके स्कूल ने कोशिश नहीं की कि उनसे पूछे CBSE बोर्ड वालों से कि आपने किस बेसिस में हमारा रिजल्ट तैयार किया? इसका जवाब तो वो दे ही नहीं रहे, हमने भी सवाल उठाया इसका। अच्छा, जवाब वो दे ही नहीं रहे। और दूसरी चीज़, दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बच्चा 10वीं में पढ़ता था 2 साल पहले, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है जी, तो उसका प्रदीप पटेल का भी रिजल्ट इन लोगों ने बना के भेजा था? वही तो मेरा सवाल है, जो बच्चा डेथ हो चुका है 2 साल पहले, उसकी रिजल्ट ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? यही मेरा सवाल है सर। ये तो प्रिंसिपल है, क्योंकि इस बार जो नंबर दिया गया है तो यहीं से दिया गया है। अच्छा, क्योंकि ये इन्होंने जैसा भी नंबर दिया है, मतलब इनका ये कहना है कि जो मेरे स्कूल में जो टीचर काम करते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको मैं नंबर दूंगा 80% दूंगा 90%, इन अदर जो बच्चे हैं उनको मैं 50 के अंदर बुक करके छोड़ दूंगा। क्योंकि मतलब बाकी बच्चे जो हैं तो बाहर के हैं, जो इनके रिलेटिव हैं उनको नंबर देंगे ये, क्योंकि इनकी पहचान के रिलेटिव इनके घर आते जाते रहते हैं, चाय पीने के लिए आते हैं उसी में नंबर देते हैं चाय पीने के लिए, 2 कप चाय पीने के लिए। मतलब चाय पीने सीधे तौर पर नेपोटिज्म से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। संबंधियों से जुड़ा हुआ मामला। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये स्कूल नहीं है, ये बिजनेस है। इनसे आप पूछिए ये किस कंपनी से आए हैं, इनसे आप ये पूछिए। ये आते हैं वहाँ से इलाहाबाद से ओमनी पैक करके आएंगे, यहाँ आएंगे लंच करेंगे, फैशन वाले कपड़े पहन के आते हैं। मैं यहाँ पे 10 साल पढ़ा हूँ और यहाँ PG कॉलेज से मैं BCOM कर रहा हूँ, मेरे यहाँ ये सेकेंड ईयर है। 10 साल में यहाँ तो 4th से पढ़ा हूँ मैं यहाँ पे। ये सब मेरे भाई हैं, ये सब मुझसे जूनियर हैं। इन्होंने कॉल किया, बोला भैया ऐसा ऐसा है, मैंने बोला कि बात करूँ मैं प्रिंसिपल सर से, मैंने बात किया प्रिंसिपल सर गलत काम किए हैं तो आज प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे, ये तो बिजनेस करने आएंगे, इनको पैसा से मतलब है, चाहे वो किसान का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा, कोई भीख मांग रहा है इनको तो पैसे से मतलब है अपने। सिर्फ ये रसीद देंगे फीस की, बाकी कोई रसीद नहीं देते। इनसे मैंने रसीद भी मांगा तो ये बोले कि इसकी रसीद नहीं मिलेगी। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगी, रीज़न बताई, बोले रीज़न कुछ नहीं, बोले कि ऑनलाइन दिखाएगी, कहाँ दिखाएगी, अभी तक कोई ना वेबसाइट है ना कुछ है। स्कूल की आप अगर कंडीशन देखेंगे तो ये सिर्फ एक चीज़ पे है, या तो इसको हॉस्पिटल बना दिया जाए या तो मैरिज गार्डन, क्योंकि इनको बिजनेस करना है। एक चीज़ और है कि जितने CBSE स्कूल्स हैं उनकी खुद की वेबसाइट्स है, क्या सुहागी पब्लिक स्कूल की कोई वेबसाइट्स है? वेबसाइट्स है, उसमें 4 फोटो के अलावा 5वीं फोटो आपको नहीं दिखेगी, 4 फोटो सिर्फ दिखेगी। इसमें हर स्कूल का एक होता है कि मतलब नोटिफिकेशन आते हैं कि हाँ आज मेरे स्कूल में ये पढ़ाया गया है, ये होमवर्क मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ सेल्फी लेके डालेंगे अपनी, डायरेक्टर अपनी फोटो डालेगा, प्रिंसिपल अपनी फोटो डालेगा, बस इतना ही सब कुछ है। और यहाँ का जो प्रिंसिपल है उसने क्या किया है कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है इसको मैं नंबर दूंगा, अगर इसको पता चल गया कि स्कूल से ये नंबर जा रहा है, इसके अगर मम्मी पापा यहाँ पे जॉब करते हैं, अपने बच्चे से बताया कि बेटा तुम्हारा इतना नंबर जा रहा था, उसने RR सर के पास फ़ोन करेगा, सर मेरा इतना नंबर जा रहा है, तो वो खुद ही कहें भाई तुम तो अपने बच्चे हो ना, तुम्हारा हम करवा देते हैं, तो 71 से 81 हो जाएगा।
क्या पेंडेमिक के दौरान जो सप्लीमेंट्री करने की कोई योजना थी, आप लोगों को जानकारी है कि किसी को सप्लीमेंट्री किया जा सकता है क्या? नहीं, सप्लीमेंट्री का था लेकिन फेल का नहीं था, जैसे ये इसका तो पूरा फेल रिपीट करा दिया। आपका नाम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा 12th में इतना पुअर रिजल्ट आया है कि मैं इसेंशियल रिपीट कर दिया गया मेरे को, जो कि इस पैंडेमिक ईयर में जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि सरकार गवर्नमेंट की ये अनुसार है कि इस साल बच्चों को पास होना चाहिए। हमारे स्कूल की ये सिचुएशन आई, इस तरह के नंबर सेंड किया गया कि हमारे स्कूल के टीचरों ने हमें फेल कर दिया गया, फेल के बराबर। इसेंशियल रिपीट मतलब दोबारा रिटर्न पढ़ो। कारण क्या हो सकता है? ये फीस ये है नंबर सेंड करने के लिए। हम कहते हैं टीचरों से, आप नंबर जो आप नंबर सेंड किए हैं CBSE को, लिस्ट दिखाइए हमको। वो लिस्ट दिखाने के लिए तैयार नहीं। कल पेरेंट्स हमारे यहाँ लिस्ट मांग रहे थे, कहते हैं मैं 8 तारीख को दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें से कौन सा बच्चा ऐसा है जो ये गारंटी देता है कि अगर मेरा एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी आके एग्जाम कंडक्ट कर ले, मेरा रिजल्ट बेहतर रहेगा? मैं आपको बता दूं, इनमें से आधे लड़के टॉपर हैं। हाथ उठाओ, कौन से इनमें से आधे लड़के टॉपर हैं। और पहली बात तो ये, जो स्कूल में एक लड़की है नई आई है, उसको कोई नहीं जानता, कोई टीचर उसका नाम तक नहीं जानता। उसने टॉप किया है 91%। अच्छा, 94%। प्री वोट देने आई थी, 2-3 पेपर दिए, और फिर वहाँ में गायब हो गई। और ये बता रहे हैं कि प्री वोट का नंबर गया, 9th का नंबर गया, 10th का। अरे जिसकी डेट हो गई, आप उसका नंबर कहाँ से दे दिए? मैं CBSE बोर्ड में बैठे लोगों से कहना चाहूँगा, साथ ही अपनी सरकार मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहूँगा कि आपके ये जो भांजे हैं ये काबिल हैं, लेकिन CBSE बोर्ड और इस स्कूल की गलती की वजह से इनका भविष्य बर्बाद हो गया है। मामा जी, क्या आप अपने भांजों का रिजल्ट, अपने भांजों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे, करते हुए देखते रहेंगे? और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं ऐसे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, तो आप ऐसे स्कूल पे और CBSE बोर्ड पे नकेल कसना शुरू करिए। सरकार को, प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि हमारी नज़र में ये एक विद्यालय आया हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्यालय हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र हो सकते हैं जिनके करियर के साथ भस्मासुर बन करके पूरे करियर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मतलब आपने पूछा था हमसे कि आपका क्वेश्चन था कि CBSE वालों की अगर गलती है तो इन स्कूल वालों को उनसे फाइट करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी कि नहीं हमारे बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ तो। लेकिन ये क्यों करते? क्योंकि हमारे पास इनका पूरा सबूत है, पूरा इन्होंने जो रिजल्ट बना के दिया, उस लड़के का सप्लीमेंट्री किया, इस लड़के का सप्लीमेंट्री किया, जिसका सप्लीमेंट्री किया, इन्होंने खुद बनाया वो रिजल्ट, वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो आप लिख के दोगे वही आएगा। तो ये कोशिश करिए कि आप लोग RTI लगाइए, खासकर वो बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस है कि मेरा रिजल्ट बेटर होना चाहिए और मैं एग्जाम दूंगा तो मेरा रिजल्ट बेटर जाएगा। सर, एक बात ये है कि हमारे साथ कुछ बच्चे जो 11th में थे, जो इस साल 12th में गए, क्या पता कि कोरोना फिर से लग जाए, इन लोग के रिजल्ट में भी कुछ करें ये लोग, तो इसीलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये लोग करेंगे ही ये काम, क्योंकि मैं इन लोग को इसलिए लेके आया। कुछ बच्चे हमारे साथ 11th के हैं जो 12th में गए हैं, तो वो भी हैं ऐसे कि उनको टेंशन है कि मुझे इस स्कूल से TC लेना है, और इनका एडमिशन कहीं भी हो जाएगा CBSE स्कूल में, तो इनको डर है कि कहीं हमारा रिजल्ट भी खराब ना कर दे, तो ये आए हैं आज TC की ही बात करने अपने, तो इनके साथ भी गलत ही होने वाला, क्योंकि नहीं है शायद कि ये एडिशनल को मेन सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट को एडिशनल कैसे किया जाता है, ये जानकारी ना स्टूडेंट को है किसी को, और ना स्कूल के प्रिंसिपल को। कहे कि प्रिंसिपल को होती तो आज बच्चों को जानकारी हो जाती। तो हम लोगों का क्या है कि मेन सब्जेक्ट मैथ था, और मैथ के स्टूडेंट मैथ ही लेके पढ़ेगा, और मैथ को जब एडिशनल करके उसकी जगह फिजिकल एजुकेशन, IT और ये हिंदी कर दिया गया, तो वो करेगा क्या आगे? उसका करियर खराब हुआ। दूसरी बात यह है कि स्कूल का कोई रिस्पॉन्सिबल मतलब प्रिंसिपल होता है, लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इससे बड़े सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब वो सोचते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में दे रहा हूँ तो इसका स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, यहाँ से नंबर से लेकर अभी होम बोर्ड हो गया था, तो जिस वजह से कि होम बोर्ड हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की थी। अभी तक बोर्ड एग्जाम में 10th का एग्जाम बच्चे देखे आए, उसमें नहीं फेल हुए, इसमें कैसे फेल हो गए? इसका मतलब स्कूल है। मैंने स्कूल से कल भी आया, मैं परसों भी आया, मैं स्कूल के प्रिंसिपल से बात किया, तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि नंबर आप मेरे को दिखा दिए, मेरे को 10th का नंबर और 12th का नंबर, 11th का नंबर दिखा दीजिए और 12th का प्री बोर्ड दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये नंबर मैंने पहले से चढ़ा के रखा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि 10th का नंबर तो ठीक है, CBSE से मैं हम लोग थे, CBSE के पास तो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, 11th का और 12th का 70% जो बच्चा है वो तो स्कूल का रहेगा, वो स्कूल का समथिंग अभी चढ़ा है, जुलाई में चढ़ा नंबर, तो और बता रहे कि मैं
नंबर दूसरा चढ़ाया और रिस्पॉन्सिबल सीबीएसई है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि यहाँ से नंबर चढ़ा के अच्छा नंबर जाए और सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल हो। तो बताया ना कि बैठे किस लिए हो, क्या कर रहे हो फिर आप फीस लेने के लिए? जिसकी फीस नहीं जमा है ऑन रिकॉर्ड जाके अभी बोर्ड निकलवा के पूरा देख लीजिए, जिसकी फीस नहीं जमा है उसको फेल कर दिया गया है, जिसकी फीस नहीं जमा है उसको टेंथ से माइनस में कर दिया गया है ट्वेल्थ में, और जिसकी फीस जमा है उसको 2% या 4% कोई एक्स वाई जेड कोई भी हो उसका बढ़ा कर दिया गया। और जो इनके पर्सनल बच्चे हैं, जो इनके काफ़ी कलीग हैं, काफ़ी खास बच्चे हैं, उनको क्या कि 80 प्लस हैं, तो यही है कि स्कूल रिस्पॉन्सिबल हो, मेरे को बता दे रिस्पॉन्सिबल कौन है, नहीं तो फिर सर बच्चों के साथ गलत हो चुका है। सर क्वेश्चन ये है कि जैसा कि अभी अनेश सिंह ने बताया कि 2 महीने स्कूल खुली है, सर उस 2 महीने में मैथ की क्लास कैसे चलती थी? कि मतलब प्रिंसिपल सर ये बताया कि बेटा आप लोग के मैथ के टीचर हफ्ते में केवल एक बार आएंगे, फीस तो ये एक दिन के लिए नहीं लेते, फीस ये हमसे सर 5 बच्चे पढ़ते हैं पूरा अलपेड करा लिए 60,000 ठीक, और क्लास इनकी हफ्ते में इलाहाबाद से एक टीचर आएंगे, और बोलते थे सर रेगुलर क्लास मैथ की चलवाइए, तो इनका ये कहना था बेटा उनको एक दिन का 500 लेते हैं, हमसे इससे क्या मतलब सर, हम ऑलरेडी पूरा एजुकेशन से मतलब ये थोड़ी ना सर कि हम हफ्ते में एक दिन, हम फीस तो पूरा दे रहे हैं, हम एक रोज़ क्यों पढ़े? वो फिर उसके बाद सर बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो पढ़ो तुम ऐसे ऐसे हो ऐसा बता के सर पूरा हम लोग का ख़राब कर दिया सर। कल पूछने पे रीज़न बताते हैं कि तुमने प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने प्री बोर्ड की कॉपी रखी है, कॉपी आप निकलवाई प्री बोर्ड की, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया प्री बोर्ड, अच्छा मैंने नहीं दिया तो जिसका 80 प्लस उसकी वाली कॉपी दिखाई है, तो वो कहते हैं कि 80 वाले के क्या करो ये कॉपी देख के, अब हाँ 94 वाले की उसकी मैं कॉपी बोला तो बोले क्या, अरे इसमें इस स्कूल में प्री बोर्ड का वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो बच्चे बाहर के हैं वो आके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और उनका अच्छा नंबर मिला है 85 है उनका, ये ऐसा नंबर है।